और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंद्रासिस। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, एकदम सा फॉगी वेदर है यहाँ पर, फॉगी, फुल फॉग। अभी जब मैं आ रहा था, मतलब आगे पीछे का कुछ भी नहीं दिखा पा रहा था। अभी टाइम हो चुका है सुबह 9 AM और मेरा आँख भी खुला नहीं जा रहा है क्योंकि मैं अभी अपना सनग्लासेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं द मोस्ट अवेटेड डोमिनार 400 का एक छोटा सा रिव्यू। बेसिकली ये रिव्यू होगा मैंने ये गाड़ी क्यों परचेज किया है, कहाँ से परचेज किया है, क्यों अपना डिस्ट्रिक्ट से मैं नहीं लिया हूँ, इसके लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ा है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड दैट। और ये क्या लेना सुटेबल होगा। बहुत सारा मैंने कमेंट्स देखा है कि अगर हम मेरे स्टेट्स के बाहर मैं गाड़ी लेता हूँ तो क्या ये लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड दिस ऑल थिंग्स। सो आज हम लोग वही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी को एक बार देख लेते हैं। एंड यस, ये चुम्मा गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही, मतलब आई कैन नॉट सिंपली टेल यू। और इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, कितना मेंटेनेंस है उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग गाड़ी देख लेते हैं उसका। Thank you.
तो फ्रेंड्स ये तो रहा मेरा बाइक एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। अभी तक मैं इसको 255 किलोमीटर ही चलाया है एंड यस अभी मैं कुछ बातें जो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ ये है कि मैं बेसिकली रहता हूँ वेस्ट बंगाल पे। मेरा परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल का है। मैं काम के सिलसिले में झारखंड में रहता हूँ और वहाँ पर काम भी किया हूँ। फिलहाल अभी वेस्ट बंगाल में ही, पर मुझे झारखंड के बारे में पता है। तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग बात करेंगे कि दोनों बंगाल एंड झारखंड की टैक्सेस के बारे में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि देयर इज़ ए वेरी ह्यूज डिफरेंस ऑफ टैक्सेस बिटवीन झारखंड एंड बंगाल। सो मैंने फाइनल किया कि मैं गाड़ी अपना झारखंड से ही पिक करूंगा। उसके बाद मुझे दिक्कत आया कलर का ऑप्शन में, मुझे ब्लैक मिल रहा था हर एक जगह पे। मैंने ओवर द नेट मैंने सारे शोरूम का फ़ोन नंबर कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैं एक एक करके एक एक शोरूम से बात करने लगा वहाँ पर कितना मुझे ऑन रोड प्राइस मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा लगेगा डॉक्यूमेंटेशन और फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ। और आखिर में मैं देखा कि मुझे रांची में रौनक बजाज में मुझे ये कलर ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी तुरंत उतर रहा, मतलब ट्रक से उतरा। सो वो लोग मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ इंक्वायरी ऑलरेडी करके रखा था मुझे डोमिनर चाहिए बोल के। और सेकंड ऑप्शन है डोमिनर 250, अभी मार्केट में लगभग अवेलेबल है हर एक जगह पे, बहुत कम में आ रहा है 400 जैसे कि वो लोग मुझे बोला है। अभी शायद ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा ठीक भी हो सकता है, तो मैंने 400 के लिए इधर उधर बोल के रखा था। रांची मेरे घर से 125 किलोमीटर्स के आसपास हो रहा है एंड अभी क्या है वहाँ पर मुझे मैंने लिया गाड़ी डिलीवरी लिया दशहरा के दिन और मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह ये सब मिला है एंड नॉट ओनली दैट मुझे एक अच्छा डील मिल रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको ले लिया। मैंने हार्ड एंड कैश में लिया। अगर आप दूसरे स्टेट से ले रहे हैं तो आपको कैश में ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपका फाइनेंस नहीं हो सकता है क्योंकि आपका स्टेट चेंज हो जा रहा है। पर नो ऑप्शन, मतलब नो प्रॉब्लम इन टेकिंग द डिलीवरी इन कैश। आप कैश से ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ले सकते हैं आपका। हाँ, एक टेम्पररी एड्रेस आपको वहाँ पर चाहिए तो शोरूम वालों ने मुझे 1000 रुपीज़ चार्ज किया था, पर लगभग मैंने उसको 500 रुपीज़ में उसको सल्टा दिया एंड मुझे वो एक अच्छा ही डील मिला। तो लगभग मुझे 16-17 हज़ार का डिफरेंस पड़ा था एंड मुझे ये अच्छा ही लगा। वो पैसा मैं इसका एसेसरीज़ में यूज़ करने वाला हूँ, जो मुझे सेविंग्स हुआ है वो मैं अपना एसेसरीज़ में। हाँ, अभी और एक चीज़ है, मैं छोटा सा कोट करके बोल देना चाहता हूँ, अगर आप दूसरे स्टेट से लेते हैं तो उसी स्टेट में आपको जाके गाड़ी बेचना पड़ेगा। इन दैट सेंस आपको उधर ही गाड़ी बेचना पड़ेगा, पर मुझे अभी कुछ इसको सेल करने का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखेंगे जब सेल करेंगे तब कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। जब ले रहा था तब जुगाड़ हो गया, जब सेल करेंगे तो भी जुगाड़ हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी अगर कुछ जानकारी मुझे छूट गया और आप लोग जानना चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड देखते हैं उसका आंसर दे देंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं जाइए गाड़ी उठाइए एंजॉय कीजिए एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर हेलमेट। ठीक है, बाय बाय। और यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक तो बनता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक हिट द लाइक बटन, लाइक द हिट बटन बोल देता हूँ हर बार कमेंट आ जाता है। तो चलिए हिट द लाइक बटन, बाय बाय, टेक केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स। अरे मुंबई का निखिल का लाइन बहुत अच्छा है। बाय बाय।